आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज, और मैं हूँ अमर सक्सेना। आज हम लोग रेडियो एक्टिव विघटन के नियम और उसका गणितीय रूप सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। आज का टॉपिक क्या हमारा? रेडियो एक्टिव विघटन के नियम तथा उसका गणितीय रूप। टॉपिक हमारा है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम और उसका गणितीय रूप। तो सबसे पहले क्या है कि रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हम लोग जानेंगे। रेडियो एक्टिव विघटन के नियम। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा क्या कहता है? रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा कहता है कि प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। क्या कहता है रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा? कि प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा कहता है कि प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या के कुल परमाणुओं की संख्या के कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या होता है हमारा? प्रति सेकंड विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या है? रेडियो एक्टिव विघटन का नियम है। अब इसका गणितीय रूप में हम लोग क्या देखेंगे? गणितीय रूप में हमारा कहता है कि यदि क्या कहता है हमारा? कि यदि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या n हो, यदि किसी क्षण क्या हो, परमाणुओं की संख्या n हो और dn परमाणु dt सेकेंड में विघटित होते हैं
क्या है, डीएन परमाणु डीटी सेकेंड में विघटित होते हैं तो विघटन की दर माइनस डीएन बटे डीटी, विघटन की दर माइनस डीएन बटे डीटी होगा। क्या होगा, कह रहा है गणितीय रूप में हमारा, यदि किसी क्षण परमाणुओं की संख्या एन हो और डीएन परमाणु डीटी सेकेंड में विघटित होती है होते हैं तो विघटन की दर माइनस डीएन बटे डीटी होगा। इसे नोट करें, अब हमारा कह रहा है रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से, क्या रेडियो एक्टिव विघटन के नियम से, रेडियो एक्टिव विघटन का नियम कहता है कि प्रति सेकेंड विघटित परमाणुओं की संख्या माइनस डीएन बटे डीटी हमारा है, प्रति सेकेंड विघटित परमाणुओं की संख्या कुल परमाणुओं की संख्या एन, कुल परमाणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अब इस माइनस को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, क्या होगा हमारा डीएन बटे डीटी समानुपाती माइनस एन, डीएन बटे डीटी बराबर माइनस लैम्डा एन, माइनस लैम्डा एन जहां लैम्डा एक नियतांक है, लैम्डा क्या है एक नियतांक है जिसे विघटन नियतांक या क्षय नियतांक, विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहते हैं। ये रेडियो एक्टिव विघटन का नियम हमारा है माइनस डीएन बटे डीटी समानुपाती एन। इस माइनस को हम लोग बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जा रहे हैं तो डीएन बटे डीटी समानुपाती माइनस एन, डीएन बटे डीटी बराबर माइनस लैम्डा एन जहां लैम्डा क्या है एक नियतांक है जिसे विघटन नियतांक या क्षय नियतांक कहते हैं। इसे नोट करिए, लिखे थे हम लोग dn बटे dt बराबर माइनस लैम्डा n। अब इस dt को हम लोग इधर ले जाएंगे तो इधर भाग है हमारा उधर गुना में हो जाएगा, और इस n को हम लोग इधर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा गुना में उधर तो भाग में हो जाएगा, तो dn बटे n बराबर माइनस लैम्डा इंटू dt, ये हमारा समीकरण एक होगा। अब समीकरण एक के दोनों ओर हम लोग समाकलन करेंगे, समीकरण एक के दोनों ओर
समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करने पर समीकरण एक के दोनों ओर समाकलन करेंगे तो समाकलन dn बटे n बराबर समाकलन माइनस लैम्डा इंटू डीटी। अब हमारा फॉर्मूला होता है समाकलन dx बटे x इज इक्वल टू log x। चूंकि यहां पर हम लोग नेचुरल लॉग लेंगे तो इसके लिए होगा हमारा समाकलन dn बटे n इक्वल टू log n। ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग हम लोग लेंगे log n बराबर इसमें जो नियत राशि है उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं माइनस लैम्डा समाकलन dt। और एक और फॉर्मूला होता है हमारा समाकलन dx बराबर x, इस हिसाब से समाकलन dt हमारा t हो जाएगा log n बराबर होगा हमारा माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस सी। ये सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो एक नियत राशि जोड़ देते हैं, ये हमारा सी समाकलन नियतांक है, जहां सी समाकलन नियतांक है। सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। ये जो हमारा होगा ये समीकरण दो होगा, इसे नोट करें। अब हमारा कहता है कि यदि t बराबर जीरो समय में कोई परिवर्तन नहीं अर्थात कोई समय नहीं गुजरा हो तो n बराबर n जीरो अर्थात परमाणुओं की संख्या में कोई विघटन नहीं हुआ होगा। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, समीकरण दो में t बराबर जीरो तथा n बराबर n जीरो लेने पर, समीकरण दो में हम लोग क्या करेंगे t के स्थान पर जीरो लिखेंगे और n के जगह पर n जीरो, तो क्या हो जाएगा हमारा log n जीरो बराबर माइनस लैम्डा इंटू जीरो प्लस सी। तो क्या हो जाएगा हमारा log n जीरो बराबर सी, चूंकि ये हमारा जीरो हो जाएगा। अब समीकरण दो में हम लोग सी का मान देंगे समाकलन नियतांक। समीकरण दो में सी का मान देने पर समीकरण दो में हम लोग सी का मान देंगे तो समीकरण दो हमारा था log n जी n बराबर माइनस लैम्डा इंटू टी और प्लस सी था चूंकि हमारा, तो सी के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे log n जीरो। अब इस log n जीरो को हम लोग दाएं तरफ से बाएं तरफ लाएंगे तो आ जाएगा हमारा log n माइनस log n जीरो बराबर माइनस लैम्डा टी। अब हमारा फॉर्मूला होता है एक
लॉग एन बटे एन जीरो बराबर माइनस लैम्डा टी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? फॉर्मूला होता है हमारा लॉग एम बटे एन बराबर लॉग एम माइनस लॉग एन। यहां हमारा लॉग एन माइनस लॉग एन जीरो है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे, लॉग एन बटे एन जीरो। ये हमारा क्या है, सूत्र है। इसे नोट करें, इसको हम लोग समीकरण मान सकते हैं। समीकरण हमारा हो जाएगा तीन, अब कर रहा हमारा समीकरण तीन में, समीकरण तीन के दोनों ओर, समीकरण तीन के दोनों ओर ई लगाने पर, समीकरण तीन के दोनों ओर ई लगाने पर तो क्या होगा हमारा, लॉग e के पावर लॉग है हमारा n बटे n जीरो बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। अब हमारा नियम है कि अगर e के माथे पर लॉग हो या लॉग के आगे e हो तो दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारा, n बटे n जीरो बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। एन बटे एन जीरो बराबर e के पावर माइनस लैम्डा टी। इससे अगर हम लोग n निकाले तो n बराबर एन जीरो e के पावर माइनस लैम्डा टी। ये जो होगा हमारा, ये रेडियो एक्टिव विघटन का गणितीय रूप होगा। यह गणितीय रूप है रेडियोएक्टिव विघटन का। यह क्या है हमारा, गणितीय रूप है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2021 में इंटरमीडिएट के फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको 24 के लिए महत्वपूर्ण है। इसे देख जाएंगे